नहीं नहीं तो आपको बता दो, कोरिया में आप पाकिस्तान से आने के लिए 2-3 वीज़े हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अहमद और आप देख रहे हैं अहमद व्लॉग्स। दोस्तों आज जा रहा हूँ, हॉलीडे है संडे, बड़े ये देख लें इधर एग्रीकल्चर हो खेती बाड़ी वो की कहते हैं, मेरा ख्याल है कोई ना जिस तरह बाग नहीं होता वो पौधे लगा रहे हैं, पता नहीं की फ्रूट हैगा या की चीज़ हैगी ये नहीं पता। संडे है तो बनानी है बिरयानी, प्याज नहीं थे टमाटर नहीं थे तो वो लेने जा रहा हूँ मार्ट पे, और सोचा साथ में व्लॉग भी बना लें आपके लिए। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मिलते दोस्तों आज एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे कि हम भी कोरिया अगर आना चाहें तो क्या तरीका कार है और कौन सा वीज़ा बेस्ट है, किस तरह अप्लाई करें ATC। तो आपको बता दूं कोरिया में आप पाकिस्तान से आने के लिए 2-3 वीज़े हैं। एक तो आप विज़िट वीज़े पे आ सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा खर्चा है, और उसके बाद दूसरा जो है वो है बिज़नेस वीज़ा, वो भी अगर कोई बिज़नेस मैन है बिज़नेस करना चाहता तो वही आ सकता है, और तीसरा जो है लीगल और बेहतरीन तरीका जो है वो E9 का है, और उससे भी अगर ज़्यादा जल्दी आप आना चाहते हैं जल्दी आपको है तो वो वीज़ा है स्टडी वीज़ा। मतलब पाकिस्तान में सबसे फास्ट और तेज तरीन जो वीज़ा है ना वो स्टडी वीज़ा का है। करें वीज़ा और इंशाल्लाह एक मंथ में आपका जो प्रोसेस है ना सारा वो कंप्लीट हो जाएगा आप कोरिया। तो ये दो तरीके मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है, यही E9 पे आप करें, वो भी थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तरीका कार जो है बेस्ट है लेकिन प्रोसीजर लंबा है, और दूसरा जो है वो स्टडी वीज़ा है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तो ये दो बेहतरीन है कोरिया आने के लिए। तो वो रहा हमारा मार्ट, और इधर हमें वेट करना पड़ेगा अभी, वो देखो वो रेड है, रेड का मतलब है हम अभी क्रॉस नहीं कर सकते, जब ग्रीन होगा फिर हमारे लिए ये ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से गाड़ी कोई नहीं क्रॉस करेगी, फिर सिर्फ हम ही क्रॉस करेंगे। तो वो सामने वाला मार्ट है हमारा, वो तो यहाँ इंतज़ार करते हैं। तो इन बसों की आपको बात बताता चलूँ, ये जो बस है ना वो ग्रीन हो गया, अब हम चलते हैं। तो बस की आपको बात बताता चलूँ कि मैं एक बार ही जब मैं इस बस पर चढ़ने लगा तो मेरे कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए, तो उसने मुझे कहा इट्स ओके आप आ जाएं अंदर बैठ जाए, तो मुझे पाकिस्तान याद आया, किराया ना हो वहाँ पर तो नीचे उतार देते। ये मार्ट है अंदर इंटर हो रहा, यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी हैं जिनमें से टमाटर, और प्याज लेंगे, प्याज ये प्याज और टमाटर हो गए, और लहसुन लेना है बस। ये लहसुन और मिर्चे दो ये ले लेते हैं। नहीं नहीं ये बिल बना रहे हैं हमारा, यहाँ बिल बन रहा है 15,000, यहाँ कार्ड डालेंगे, ये हो गया। तो दोस्तों आज की ये वीडियो छोटी सी या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो थी आपको अच्छी लगी होगी आई होप, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।